नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज एक और नई वीडियो में लाया हूँ एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द वैकेंसीज ऑफ गर्ल्स इन आरआईएमसी। ओके, आरआईएमसी में गर्ल्स की क्या वैकेंसीज हैं। काफ़ी पेरेंट्स को कन्फ्यूजन है कि स्टेट वाइज सीट्स होनी चाहिए गर्ल्स की, लेकिन गर्ल्स की स्टेट वाइज नहीं है, गर्ल्स की सीट जोन वाइज है। ओके, तो अगर आपको गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन देखना है जोन वाइज तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है सूरज आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अगर आपको देखिए गर्ल्स की अगर आपको सीट्स देखनी है, गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन देखना है, तो आप आरआईएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ऑलरेडी एक साल पहले ही आरआईएमसी ने जो वैकेंसीज हैं वो ऑलरेडी वेबसाइट में डिस्क्लोज कर लिए। तो आप गूगल में आरआईएमसी सर्च करेंगे, इस तरीके से वेबसाइट आएगी। आप खोलेंगे, आरआईएमसी का पोर्टल खुलेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, राइट कॉर्नर में आप देखेंगे 19th अप्रैल का नोटिफिकेशन है। यस, ये देखो 19th अप्रैल का, यहाँ पर बॉयज़ का भी दे रखा है, गर्ल्स का भी दे रखा है। बॉयज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करेंगे तो बॉयज़ की वैकेंसीज वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हैं बॉयज़ की और जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हैं गर्ल्स की। तो मैं गर्ल्स वाली ओपन करूँगा। गर्ल्स वाली ओपन करते ही इस तरीके की पीडीएफ खुलेगी, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं या यहीं से गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो आइए इसी के ऊपर बात करते हैं डिटेल पर। तो ये मैंने जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गर्ल्स कैंडिडेट्स की पीडीएफ ओपन कर ली है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को और अच्छा दिखे। ठीक है, ओके। अब इसमें बात करते हैं पहले नॉर्थ जोन की। लेट्स टॉक अबाउट नॉर्थ जोन। तो इन्होंने क्या करा हुआ है, अलग अलग स्टेट्स को जोन्स में बांटा हुआ है। 5 सीट्स हैं गर्ल्स की, तो जोन वाइज बांटा हुआ है ताकि रिप्रेजेंटेशन सभी जगह की हो जाए। इन्होंने नॉर्थ जोन बनाया एक। नॉर्थ जोन में कौन कौन से स्टेट्स हैं, आइए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देर आर अराउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टेट्स इन नॉर्दर्न जोन। लद्दाख है, जे एंड के है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है। तो ये पूरा नॉर्थ जोन है और पूरे नॉर्थ जोन की सीट एक है। घबराने वाली बात नहीं है, पेरेंट्स कभी कभी घबरा जाते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स तो वैसे ही अपने बच्चों को आरआईएमसी एग्जाम नहीं दिलवाते हैं, क्योंकि वो पहले ही देख लेते हैं यार सीट्स इतनी कम है। तो बहुत डायनेमिक एग्जाम है, इसकी प्रिपरेशन में ही बच्चा इतना ग्रो कर जाता है कि आपको कहीं ना कहीं वो बच्चा मतलब बेनिफिट देगा इन फ्यूचर, कभी ना कभी शाइन करेगा अगर वो आरएमसी की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। और गर्ल्स में खासकर अभी अवेयरनेस कम है, रिप्रेजेंटेशन कम है, लेकिन फिर भी चांसेस अच्छे हैं। अगर कोई लड़की अच्छी है तो सिलेक्शन के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। तो टोटल 9 स्टेट्स हैं, एक ही रिप्रेजेंटेशन है नॉर्थ जोन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आते हैं साउथ जोन की तरफ। साउथ जोन में देख लेते हैं। देखिए सीट तो सभी सेम ही है, मतलब सभी जोन्स की सेम ही है, 1-1 ही सीट होने वाली है। 5 जोन्स में इन्होंने डिवाइड किया है। तो साउथ जोन में इन्होंने तमिलनाडु रखा है, तेलंगाना रखा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, पुडुचेरी है, गोवा है, लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है। यूटीज़ को अलग से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, जोन में यूटीज़ को भी ऐड कर लिया है। तो इसमें टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टेट्स इसमें भी हैं। ठीक है, कुछ यूटीज़ भी हैं साउथ जोन में। अगेन द रिप्रेजेंटेशन इज़ 1, एक सीट है। ठीक है, ईस्ट जोन की बात कर लेते हैं। नॉर्थ और साउथ तो देख लिया, अब ईस्ट और वेस्ट ही आने वाला है। यस, ओके। अगर हम बात करें ईस्ट जोन की, तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय में ME होता है, तो ये आरआईएमसी ने गलती करी हुई है। ठीक है, एंड वेस्ट बंगाल। तो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ चुके हैं इसमें। ठीक है, वेस्ट बंगाल को भी ऐड कर लिया गया इसमें। तो यहाँ से टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही स्टेट्स हैं, अगेन एक ही रिप्रेजेंटेशन है। वैसे वेस्ट जोन की भी बात कर लेते हैं। वेस्ट जोन में कौन कौन से स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, ये सारे आपके वेस्ट जोन में आते हैं। कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 इसमें आपको स्टेट्स और यूटीज़ देखने को मिल रही हैं, और अगेन द रिप्रेजेंटेशन इज़ 1। ठीक है, वेस्ट जोन से एक ही रिप्रेजेंटेशन है, सभी जोन से एक एक का ही है गर्ल्स का। और अब देखते हैं सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में होगा यूपी। हाँ, सेंट्रल जोन में उत्तर प्रदेश डाला हुआ है और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए कम स्टेट्स हैं, झारखंड उड़ीसा कम स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और सीट एक है। इसी तरीके से जो टोटल सीट्स है वो 5 सीट्स हैं, 5 सीट्स फॉर गर्ल्स। और मैं आपको ये भी बता दूँ, देर आर 36 सीट्स फॉर बॉयज एंड 5 सीट्स फॉर गर्ल्स। 41 इज द टोटल वैकेंसी ऑफ आरआईएमसी सेमेस्टर वाइज। ठीक है, एक सेमेस्टर वाइज 41 रहती है सीट्स पूरी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा होगा, आई होप कि पेरेंट्स को आइडिया हो गया होगा कि स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जोन वाइज रिप्रेजेंटेशन है और जोन में काफ़ी स्टेट्स इंक्लूड करे हुए हैं।
ठीक है। और घबराने वाली बात नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बच्चों को आप ज़रूर RMC की तैयारी कराएं, बहुत डायनेमिक सिलेबस है। बच्चा अगर RMC की तैयारी करे ना तो आगे एक्सेल ही करेगा हर फील्ड में, चाहे वो RMC का एग्ज़ाम निकाले या ना निकाले। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरीके के और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हिट द बेल आइकन, लाइक कर लीजिएगा, और मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।